Have you sorted out whatever minor differences that happened? वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कविता पढ़ दी थी, उसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, हो जाएगा। अमिताभ बच्चन ने नहीं किया है दीपिका पादुकोण को माफ। दीपिका की भूल को नहीं भूल पा रहे हैं बिग बी। पीकू की सक्सेस पार्टी में दीपिका बिग बी को इनवाइट करना भूल गई थी और उसी बात से नाराज हैं बिग बी। पीकू की डीवीडी लॉन्च पर जब मिस्टर बच्चन से पूछा गया ये सवाल, तो सुनिए उनका जवाब। After the making, you had given an interview where you said that during the success party of Piku, you weren't invited by Deepika. So have you sorted out whatever minor differences that happened? वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कविता पढ़ दी थी, उसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, हो जाएगा। देखा कैसे दीपिका के मुद्दे पर बात करने से सीनियर बच्चन ने कर लिया किनारा। चलिए अब आपको वो कविता भी सुनाते हैं जिसका जिक्र बच्चन साहब कर रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर पूछो टूटे तारों का, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात। और जब अमिताभ से पूछा गया कि क्या वो करेंगे दीपिका के साथ दोबारा काम, तो सुनिए उनका ये जवाब। आपकी और दीपिका की जोड़ी बहुत ही पसंद की गई है एज अ फादर डॉटर, तो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई, अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलती है जहाँ पे आपको दीपिका के साथ फिर से काम करना पड़े, क्या आप करेंगे? हाँ क्यों नहीं, आप लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हो तो बोलिएगा, मैं हाँ काम करें। बिग बी ने भले ही दीपिका पादुकोण के साथ दोबारा काम करने पर एतराज ना जताया हो, पर जिस टोन में और जिस अंदाज में उन्होंने ये जवाब दिया है, उससे ये बात कहीं ना कहीं साफ हो गई है कि अभी भी वो दीपिका को माफ करने के मूड में नहीं है।